आज मधु कोड़ा ने 4000 करोड़ रुपया चोरी कर लिया एज चीफ मिनिस्टर, या ये 2G स्कैम में 1.5 लाख बढ़ता गया और हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. एंड इट प्रोटेक्ट्स द डॉक्टर, देयर इज नो सो मोटो. सीबीआई मान लीजिए क्राइम, अब जैसे कैश फॉर वोट्स की आई है बात पार्लियामेंट में, आजकल कैश फॉर वोट्स आई है. अगर कायदे की इंडिपेंडेंट एक्शन आज अथॉरिटी होती, वो सो मोटो मीन्स अपने आप तब्दील शुरू कर सकती थी. दिस इज वॉट वी लुकिंग फॉर. आज कोई अपने आप तब्दील शुरू कर सकता है? सीबीआई कर सकती है? सीबीसी तो इंक्वायरी भी नहीं करती, सो मोटो इंक्वायरी भी नहीं होती. सो देर इज नो इंक्वायरी. अभी तक तो पिछले जो कल की डिबेट मैंने सुनी रात तक, जब मिस्टर चिदम्बरम और मिस्टर अरुण जेटली में बहस हो रही थी, तो मिस्टर चिदम्बरम ने कहा कि वी रेफर द मैटर टू द दिल्ली पुलिस. अरे दिल्ली पुलिस पर 3 साल क्या करती रही? आरटीए लगाओ, पता चले 3 साल इसका क्या करती रही. क्योंकि जो पैसा पार्लियामेंट में दिखाया गया, व्हाट डिड दे डू? मींस बेसिकली सुओमोटो मी सेल्फ भी नहीं है और कोई टाइम बाउंड भी नहीं, पोअरली रिसोर्स्ड है. मान लो पुलिस वाला कुछ करना भी चाहता है करप्शन के ऊपर इंक्वायरी, उसके पास इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में आता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. और अगर उसकी परमिशन नहीं मिले जॉइंट सेक्रेटरी इन अबाव, तो कुछ तफ्तीश नहीं. सो और फिर उसके बाद इसीलिए आपने देखा है 2 साल 2G का काम चलता रहा, इन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट को इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि सारी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे जो कि पॉलिसी चेंज बाद में उन्होंने गिरफ्तार किया. कब किया? जब PIL लगी, जब शांति भूषण ने, प्रशांत भूषण ने PIL लगाया, तब जाके ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का इनको डंडा भरा. तो CBI क्या है? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसिबल है. CVC जो है इंडिपेंडेंट है लेकिन एडवाइजरी है. तो आपके पास मेन 2 बॉडीज है इस देश में, CBI जो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड और इनइफेक्टिव, मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसिबल. आपने देखा कभी मायावती के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ नोट, कुछ अर्जी लगाते, कभी मुलायम सिंह का विड्रॉ करते, कभी हां करते. इट्स ऑल बीइंग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड. यू नो व्हाट हैपेंड टू द बोफोर्स केस. सो यू ऑल नो, कीप रीडिंग द पेपर, यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग. सो CBI इज नॉट पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट. उसकी जो CBI की डायरेक्टरशिप है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है. सो आपके पास सेंट्रल लेजिस्लेशन, सेंट्रल बॉडी में CBI है, प्रोफेशनली केपेबल है, अच्छा सीनियर पुलिस अफसर है, काबिलियत है, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में थोड़े से मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एडवाइजरी है. और उनके पास सारे सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, विच रन इन थाउजेंड्स, एंड दे आर जस्ट फ्यू पीपल टू मॉनिटर इट. सो दे आर अंडर रिसोर्स्ड एंड ओनली एडवाइजरी बट इंडिपेंडेंट. और हर स्टेट में अपने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट है. हर एक DCP विजिलेंस हो, क्या है जी DG विजिलेंस, आप क्या है जी IG विजिलेंस, IG विजिलेंस, DG विजिलेंस की कमीशन अपने DGP के खिलाफ इंक्वायरी करेगा? जो IG है ये मेरा बॉस है अगर राहुल, और मैं इसके अंडर हूं IG, और ये मेरा DG, मैं इसकी इंक्वायरी कर सकती हूँ? इसकी करूंगी इंक्वायरी? अगर मैं करूंगी तो ये क्या करेगा, क्या करेगा? मुझे ट्रांसफर कर देगा, मुझे हैरेस करेगा, मुझे सस्पेंड कर देगा, कहेगा बड़ा अपने आपको समझती. सो विजिलेंस डिपार्टमेंट रूलिंग पार्टी, क्योंकि स्पीकर इज ऑलवेज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. यू सी दिस, ये ला चुके हैं, ये कानून है मेरे हाथ में, उसकी शक्ल देख ली आपको दिखाती हूँ कितनी यूजलेस शक्ल है. हम क्या मांग रहे हैं, ये उनका पॉइंट, उसको हमने काउंटर किया अपने ड्राफ्ट में. लोकपाल will have a power to initiate investigation suo motu in any case and also to directly entertain complaints from the public. It will not need reference or permission from anyone to investigate investigation in any case. This is the first thing. ये वो अपना draft group of ministers बना चुके हैं. ये war बहुत खरी war हो चुकी है. ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो चुका है, ये ड्राफ्ट में आ चुका है, इसको बदलवाना आसान नहीं होगा, इसलिए हड़ताल जरूरी है, समझे? दूसरा, लोकपाल हैज बीन अगेन प्रपोज्ड टू बी एन एडवाइजरी बॉडी. एडवाइज वो भी इंक्वायरी, पहले लोकसभा स्पीकर के थ्रू, वो भी मर्जी से आए, चेयरमैन राज्यसभा मर्जी से आए, अगर आया तो इंक्वायरी होगी, अगर इंक्वायरी भी होगी
तो फिर एडवाइजरी होगी कि सोचो क्या करना है, लगता है या कुछ। हमने क्या कहा, लोकपाल विल नॉट बी एन एडवाइजरी बॉडी, इट विल हैव द पावर्स टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनीवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस, इट विल ऑल्सो हैव पावर्स टू ऑर्डर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। थर्ड चीज उन्होंने क्या इसमें गड़बड़ की, द बिल हमने इज लीगली अनसाउंड दिस आर्गुमेंट, लोकपाल हैज नॉट बीन गिवन एनी पुलिस पावर्स, देयरफॉर लोकपाल कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर, देयरफॉर ऑल इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय लोकपाल विल टैंटमाउंट टू ओनली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इवन इफ द रिपोर्ट ऑफ लोकपाल इज एक्सेप्टेड हु विल फाइल द चार्ज शीट इन द कोर्ट, हु विल इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, who will appoint the prosecution lawyer, the entire bill is silent on this. Humne kya kaha hai, lokpal will have police powers, it will be able to register fir, proceed with the criminal investigations and launch prosecution. That means we are, agar hamare haath mein koi corruption ki baat aa gayi to fir darj hogi, investigation hogi, prosecution hogi, trial hoga aur time bound hoga. नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी की बन रहा हूं मेजोरिटी या पॉलिटिशियन की मेजोरिटी, ये एक माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी होगा जो पहले इन 11 लोगों को सिलेक्ट करेगा। अब ये 11 भी किसको कौन कैसे होंगे ये अनाउंस करेंगे पब्लिक में कि हमको ये लोग नॉमिनेट करो। सो मान लो मैं राहुल को नॉमिनेट करती हूँ तो मैं राहुल का पूरा इसका कैरेक्टर बताऊंगी कि इसकी ये प्रोफाइल है और हर पोस्ट के लिए 10-10 नाम आएंगे और 10 में से बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा और वो भी फिक्स टर्म के लिए। दैट बेसिकली मींस दिस विल बी अ फास्टर ट्रायल रेफरिंग टू फॉर ट्रायल टू बी आफ्टर वन ईयर। इसके बाद दो तीन चीजें जो लोकपाल बिल ने सरकार के बिल ने नहीं दी वो है विसिल ब्लोअर और रिकवरी। उस सरकार के बिल में पैसे की रिकवरी का कोई जिक्र नहीं, हमने इसमें वो भी ऐड किया कि पैसे की रिकवरी होगी और उसकी पनिशमेंट भी यहां से। उसका स्टेटमेंट ये है, इनका बिल है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट पॉलिटिकल करप्शन आर बीइंग मर्डर्ड, लोकसभा लोकपाल डस नॉट हैव एनी पावर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम, नथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड इन लॉ टू रिकवर द इल-गॉटन वेल्थ, अ करप्ट पर्सन कैन कम आउट ऑफ जेल एंड एंजॉय दैट मनी। हमने लिखा है लोकपाल विल हैव पावर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड प्रोफेशनल विक्टिमाइजेशन ऑफ विसिल ब्लोअर्स, लॉसेस कॉज्ड टू द गवर्नमेंट due to corruption will be recovered from all the accused. So recovery of it is a part. And last but not the least, 6 months and maximum 7 years. We have said enhanced punishment. The punishment should be minimum 5 years and maximum life imprisonment. And last but not the least, what interested in last year, under the government's draft Lokpal bill, government officers are barred from making any complaints. They are not. No government officer can make a complaint to Lokayukta. Government officer nahi kar sakta. Honest officers working in the government who have maximum information have no way ki samne aake complaint dein. Agar wo dete hain to unki harassment shuru ho jati hai. Humne draft kya kiya, under the Jan Lokpal bill anyone can make a complaint. No government officer is barred from making a complaint. So friends, this is the comparison between the Sarkari Lokpal Bill and the Jan Lokpal Bill. Ab latest ye hai, kyunki humne ye jab diya to government ko bheja, prime minister ko bheja, what's the time now? Okay. Humne jab ye bheja aur saath mein hartal announce ki to hame prime minister office se message aa gaya ki aap humko aake milo. तो हम 4-6 जिले हम लोग सारे गए उनके पास, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिले, लॉ मिनिस्टर भी थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी थे, पूरी टीम थी। तो उन्होंने अन्ना हजारे भी गए थे, तो अन्ना हजारे को उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे